प्रयागराज में देर रात 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अतीक को गोली लगने से ठीक पहले जब मीडिया कर्मी ने अतीक से सवाल किया कि वह अपने बेटे असद के जनाजे में क्यों नहीं गया, अतीक ने इस पर उत्तर दिया कि नहीं जाने दिया गया, नहीं गए। इसके ठीक बाद अशरफ बोला कि बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। बस इन शब्दों के बाद पहले अतीक के सिर में गोली मारी गई, फिर अशरफ के सिर में गोली मार दी गई, जिससे कि अशरफ का वाक्य पूरा नहीं हो पाया। अब अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहता था, ये राज भी उसी के साथ चला गया। गौर करने वाली बात यह है कि जिस दिन असद और गुलाम का एनकाउंटर हुआ उसी दिन से अफवाह है कि पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम को नासिक से गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की सूचना पर ही एसटीएफ ने झांसी पहुंचकर असद और गुलाम का एनकाउंटर किया था।